तो दिवाली की देश भर में धूम है। सारा देश इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक हर ओर दिवाली की अद्भुत छटा बिखरी हुई दिखाई दे रही है। हम आपको इस वक्त चार तस्वीरें दिखाएंगे जो कि अयोध्या से आई हुई हैं, देश के अलग अलग कोने से आई हुई हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी खूबसूरत रोशनी से सजा दिया गया है। और देखिए, ये तस्वीरें अयोध्या से आई हैं जहां पर भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। 5,51,000 दीपों से अयोध्या को रोशन किया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल गई है। और इसमें उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। तो देखिए, ये तस्वीरें, क्या अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। अयोध्या में जश्न मनाया गया, रामलला के सामने दीपक जलाए गए और कल पूरी अयोध्या दीपों से जगमग हो उठी। श्री राम और माता सीता का, पवन पुत्र हनुमान का, अवतरित श्री लक्ष्मण का, संभारी हरहु नाथ मम पवन सुत हनुमान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के मौके पर पवित्र सरयू नदी की आरती की। उन्होंने सरयू नदी के घाट पर पूजा की और दीपावली के मौके पर घी के दिए भी जलाए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से अस्त व्यस्त है, भारत भी इससे जूझ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए, उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही, लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई कई पीढ़ियां खप गईं, मिट गईं, और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने पवित्र सरयू तट पर पूजा अर्चना की। उसके अलावा आज योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भी पूजा अर्चना की है। इस वक्त दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आपको गोरखपुर की दिखाई दे रही है, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के मौके पर पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तस्वीर अयोध्या की, जहां पर कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने भव्य तरीके से सरयू तट पर पूजा अर्चना की। और कल 5,51,000 दीपों से अयोध्या जगमग हो उठी, जगह जगह दिवाली मनाई गई और आज देश भर में दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कल अयोध्या की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू तट पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गंगा आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आज गोरखपुर से आई हुई है, जहां दीपावली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो दीपावली की देश भर में धूम है। सारा देश इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी और मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक हर ओर दिवाली की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। और चलिए, अब हम आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, रोशनी से नहाया हुआ दिखाई दिया। वहीं अमृतसर में भी गोल्डन टेम्पल पर जबरदस्त लाइटिंग की गई, यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है दर्शन के लिए। वहीं दीपावली के इस जश्न में हमारे शूरवीर सेना के जवान भी डूबे हुए हैं।
सीमा पर वतन की रक्षा करते हुए ये जवान दीपावली का जश्न अपने परिवार से दूर और अपने साथी सैनिकों के साथ धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखे जाने के बाद कल पहली दीपावली पर भव्य नजारा देखने को मिला। राम नगरी में सरयू नदी के तट पर आज दीपावली पर त्रेता युग जीवांत हो उठा। राम कथा पार्क में भगवान श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण के स्वरूप को हेलीकॉप्टर से उतारा गया। शाम ढलते ही ठीक 5.51 लाख से ज्यादा दीपों से राम की पैड़ी रोशन हुई थी कल, और इसके बाद भव्य लेजर शो का भी आयोजन किया गया जिसने समा बांध दिया। आपको बता दें कि 492 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद वह अवसर भी आया जब राम जन्मभूमि परिसर में दीप जले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू में जाकर आरती की और लेजर शो में रामलीला भी देखी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेशवासियों और सभी श्रद्धालु भक्तों की तरफ से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी रणनीति से 5 सदी का संकल्प पूरा होते हुए देश और दुनिया देख रही है कि मुख्यमंत्री ने यह भी साथ में कहा कि हमने न केवल राम की पैड़ी को अविरल और निर्मल बना दिया बल्कि उसका विस्तार भी किया है। इस साल 5,51,000 दीपक जलाए गए हैं और अगले वर्ष ये संख्या 7,51,000 पहुंचने वाली है। और इसी बीच बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और बॉर्डर पर जवानों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। उनके साथ सीडीएस और सेनाध्यक्ष भी मौजूद है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल भी बॉर्डर पर गए थे और सेना के जवानों के साथ उन्होंने दीपावली का त्यौहार मनाया था। और आज एक बार फिर राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए। जो देश के जवान बॉर्डर पर डटे हुए हैं देश की रक्षा के लिए, अपने घर से दूर हैं इस त्यौहार में, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर पहुंचे हैं और आज वो वहां पर अपने वीर सैनिकों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद हैं। तो चलिए इस खबर पर हम पल पल आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भव्य दीपोत्सव पर अयोध्या में माहौल कैसा है हम आपको बताते हैं और हमारे संवाददाता अबुल बशर वहीं पर मौजूद है, उन्होंने कवर किया है, देखिए रिपोर्ट। दीपोत्सव का जश्न शुरू हो गया है। 5,51,000 दिए जलाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए घाटों को दीपों से सजा दिया गया है। ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है, बिल्कुल ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। ये राम की पैड़ी पर 5,51,000 दिए एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की एक कोशिश है और इसी के लिए राम की पैड़ी पर दिए जलाए गए हैं। पूरी राम की पैड़ी या यूं कहूं कि धर्म नगरी अयोध्या रोशनी में नहा गई है। पूरी अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, क्योंकि वनवासी राम अब राजा राम के तौर पर अयोध्या पहुंचे हैं और इसी खुशी में ये पूरा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर हैं और लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के यहां मौजूदगी में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और ये देखिए ये योगी सरकार का ये दिव्य दीपोत्सव कितना शानदार है और इस बार और भी ज्यादा शानदार है। लोगों में ज्यादा उत्साह है क्योंकि इस बार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और इसीलिए जो लोग यहाँ पर हैं तमाम वॉलेंटियर्स हैं। आप लोगों ने भी दीपक जलाए? हाँ, जलाया है। कैसा लग रहा है इस वक्त और जिस वक्त आप लोगों को ये जिम्मेदारी मिली थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगी आप लोग भी यहाँ पर पहुंची हैं, पार्टिसिपेट किया है, राम की नगरी में ऐसा दृश्य देखा था पहले कभी नहीं? जब से योगी जी ने आए तब से ऐसा दृश्य हुआ है और हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है कि हम अयोध्या में जन्म लिए हैं और ऐसा हम लोग के टाइम पे ऐसा होना जा रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम लोग भी दिए जलाए, दीपक तेल डाले, बाती जलाए, हर चीज किए हैं। बिल्कुल हर किसी ने यहाँ प्रतिभाग करने की कोशिश की है, अपनी सहभागिता दिखाई है, लेकिन मैं आपको बताऊं अवध विश्वविद्यालय ने 7,000 वॉलेंटियर्स यहाँ लगाए थे जिसके चलते आज ये
तस्वीर सामने आ रही है। ये लोगों की मेहनत है, अयोध्या वासियों की मेहनत है, जिस मेहनत के जरिए ये लोग एक साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इस घाट पर 5.5 लाख दीपक जला रहे हैं। और कोशिश है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह नाम दर्ज हो, और इसीलिए ये लोग यहाँ पर हैं। हालांकि कोविड का काल चल रहा है, लेकिन उसके इतर तमाम जो सावधानियां हैं उसको देखते हुए, यानी जो भी उसका दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए यहाँ लोग पहुँचे हैं और इस दिव्य दीपोत्सव में शिरकत कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिए जलाकर यहाँ अपनी सहभागिता भी दिखा रहे हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो दिवाली का उत्सव है और मां लक्ष्मी देश के हर घर में दस्तक देने वाली हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कल अपनी कैबिनेट के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में लक्ष्मी पूजा करेंगे। इंडिया न्यूज पर आज शाम 7:30 बजे इस पूजा का सीधा हम आपको प्रसारण दिखाएंगे। आप इस पूजा में शिरकत जरूर कीजिएगा। का नजारा अपने आप में देखने लायक है। तस्वीरें और अयोध्या का यह दृश्य, और या यूं कहूं कि राम की पैड़ी दुल्हन की तरह सजाई गई है। 5,84,000 ये दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, 5,74,000। और ये दीपोत्सव में यही खासियत है कि 7,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स ने यहाँ मेहनत की, और इन वॉलेंटियर्स के दम पे ये विश्व रिकॉर्ड बना है। और ये सभी वॉलेंटियर्स काफी पहले से लगे थे, जिसकी बदौलत अब ये विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है। और ये जो लाइटिंग है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तीसरे कार्यक्रम के इस तीसरे मौके पर, यानी जो तीसरा दीपोत्सव हो रहा है उसमें ये देखने लायक है, क्योंकि इस बार जो आतिशबाजी हो रही है वो लेजर आतिशबाजी है। दूसरी चीज के प्रभु श्री राम इस बार कहा जा रहा है कि 500 सालों के बाद वनवासी राम राजा राम के तौर पर यहाँ लौटे हैं, उनका अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में ये दीपावली बेहद खास है। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे इन वॉलेंटियर्स के पास, क्योंकि इन्हीं की ये मेहनत है जो रंग लाई है। और इसमें सबसे खास बात मैं बताऊं कि हमारे साथ जो वॉलेंटियर्स हैं उसमें कुछ मुस्लिम्स भी हैं, जो मुस्लिम यहाँ पर आकर जिन्होंने दिए जलाए हैं श्रद्धा से, और बखूबी उसको यहाँ पर उन्होंने अंजाम दिया है। और ये जताने की कोशिश की है कि हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन अयोध्या का हर समुदाय, हर धर्म मिलजुल कर हर त्योहार मनाता है। क्यों, कैसा लग रहा है, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम परिवार, और उसके बाद इतनी श्रद्धा से आकर और एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, तो उसमें आपने जो है प्रतिभाग किया है। ये बहुत ही मतलब खुशकिस्मती की बात है कि एटलीस्ट मैं पहली बार अयोध्या में आई हूँ। इससे पहले मैं अयोध्या में नहीं आई, बट जब भी मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो विश्वविद्यालय की तरफ से हमें यहाँ पे भेजा गया। एंड वाकई ये बहुत ही अद्भुत है, एंड मैंने ये नज़ारा पहली बार देखा है। एंड यहाँ पे जो मैंने हेल्प करी है, हम लोग यहाँ पे 3 दिन से आ रहे हैं, तो वाकई ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि हिंदू और मुस्लिम मायने रखता है। वॉट मीन्स इज कि एवरी रिलीजन इज अ सिंगल पाथ टू लीड टूवर्ड्स अ सिंगल गॉड। हर रिलीजन अलग अलग है, तो उससे क्या हुआ, अलग अलग पाथ जाके एक ही गॉड से मिलता है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम अपने अंदर सेकुलरिज्म या फिर हमारे अंदर जो एक इंसानियत का भाव है वो जिंदा रहना चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम। जन्नत जन्नत कैसा लगता है आपको जब आपने यहाँ पर दिए जलाए, और उस खुशी में जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं, उनके अयोध्या आने की खुशी में ही दीपोत्सव का जश्न होता है, पर्व मनाया जाता है, तो कितना अच्छा लगा आपको यहाँ आकर? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा मैंने शायद इससे पहले कभी फील नहीं किया है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, एंड जैसा ये पहली बार है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जैसे मैंने कहा, दिया जलाना वो तो हर कोई करता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हर किसी के घर में रोशनी होती है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर में जलाए या फिर मस्जिद में जलाए या हमारे घर में जलाए, ये पड़ता है कि हाँ हम इस देश में अपनी कंट्री में जला रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल, और
राजा राम है भी सबके, सबके दिलों में बसते हैं, सबके दिलों की धड़कन है, रोम रोम में राम है, अयोध्या के कणकड़ में राम है। और ये इसीलिए क्या कहेंगी, पार्टिसिपेट किया आपने भी, दिए जलाए, अब तो रिकॉर्ड भी बन गया। हाँ, खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है, ये मेरा दूसरा साल है, मैंने यहाँ पे आके बहुत ढेर सारा एंजॉय किया है। और मेरे नजर में जाति धर्म नहीं कोई मायने रखता है, बस हमको एंजॉय करना है और बहुत खुशी होती है हमको ये सब करके। मेरे नजर बिल्कुल ये बताइए कि ये तीसरा दीपोत्सव है योगी सरकार का, और इस दीपोत्सव के जरिए या इससे पहले आपने क्या देखा कि अयोध्या कितनी बदली? दीपोत्सव की वजह से अयोध्या बहुत ही ज़्यादा बदल गई, जहाँ तक कि हमारे अयोध्या के बारे में लोग बहुत ही कम जानते थे, लेकिन ये दीपोत्सव जब से मनाया जाने लगा तब से अयोध्या का नाम विश्व भर में जाना जाने लगा। और अयोध्या एक बहुत ही मतलब नीचे लेवल से जाके बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया है, जो नाम बहुत ही कम लोग जानते थे आज उसे पूरा विश्व जानता है। मैं बहुत मतलब अपने आप को ये गर्व महसूस होता है कि मैं अयोध्यावासी हूँ, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है मुझे। हर किसी को खुशी है, उत्साह है, यहाँ आकर कैसा लगा यहाँ देखा? बहुत बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा एक चीज है, यहाँ दूर दराज से लोग आना चाहते थे, लेकिन चूंकि कोविड का प्रोटोकॉल है, कोविड काल चल रहा है, ऐसे में नहीं आ पा रहे। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझती होंगी क्योंकि आप आए, तो कैसा लग रहा है? हम लोग अयोध्या धाम के हैं, ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। बाहर से बहुत लोग आते नहीं आ पाते आज के लिए, कि हाँ सोचते कि हाँ काश हम आ जाते यहाँ पर, पर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है उन सब के लिए। बिल्कुल हर कोई यहाँ आना चाहता है, इस दीपोत्सव में शामिल होना चाहता है, लेकिन मैं आपको पहले ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कितनी मनमोहक करने वाली ये तस्वीर है। और ये नज़ारा देखिए आप, ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये दिखाएं, यहाँ दिए जलाए गए हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ लोग अयोध्या आना चाहते थे, लेकिन चूंकि कोविड है और ऐसे में लोग इस तस्वीर को इंडिया न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं। और इसीलिए मैं इस बात को ज़रूर कहूंगा कि यहां पर जो लोग आ रहे हैं वो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, सुरक्षित रहें, और इन तस्वीरों के जरिए एक जो संदेश देना चाहती है सरकार की, अयोध्या वो पिछड़ी अयोध्या अब नहीं रही, अब अयोध्या बदल रही है। देखिए ये तस्वीर जो अयोध्या से निकल कर आ रही है बिल्कुल अलौकिक है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास रहा है पिछले 3 सालों में कि अयोध्या का जो गौरवशाली इतिहास है उसको उसका गौरव वापस मिल सके, और इसीलिए ये तमाम ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बार कोविड के चलते भी इतना भव्य कार्यक्रम, उसके बावजूद इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जो यहाँ ये लोग पहुँचे हैं। और चूंकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, हर कोई इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहता है। इस बार तो भगवान का मंदिर भी बन रहा है, राजा राम टाट से निकलकर ठाट से बैठे हैं, अब कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, निश्चित तौर पे 400 सालों का जो संघर्ष रहा है उसको सिद्धि प्राप्त हुई काफी लंबे संघर्ष के बाद, और उस सिद्धि के बाद हमारी पहली दिवाली है, तो निश्चित तौर पे काफी हर्ष है, काफी उल्लास है लोगों में। आप भी यहाँ पर आए, ये कैसा लगता है जब इस तरीके के कार्यक्रम में लोग शिरकत करते हैं और उसको इतनी प्रसिद्धि मिलती है? लोग चूंकि अयोध्या से ही भगवान राम है और राम से ही अयोध्या है, ठीक है, और दूसरी चीज के जो राम से जुड़े हुए जो भी त्योहार थे, वो दुर्भाग्य था कि इससे पहले इस तरीके की ना तो दीपावली होती थी ना तो रामलीला होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के बाद अयोध्या को इस तरीके का जो त्योहार है उसको बताया है कि कैसे है, कितना यहाँ के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो अयोध्या में जन्म लिए हैं। तो यहाँ पर आकर आपको क्या लगता है, अयोध्या कुछ बदली?
जी अयोध्या तो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है। जो हम बताना चाहेंगे कि हम इस अयोध्या के परमानेंट निवासी है, मेरा जन्म स्थल ही अयोध्या है, लेकिन अयोध्या में हम पिछले 20 से 22 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है हम देख रहे हैं अयोध्या में। अयोध्या पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। अयोध्या में अब इस समय अयोध्या में राम स्पेशल राम घाट पैड़ी पे आने पे हमें इस तरह से महसूस होता है कि जैसे हम एक किसी स्थान पे नहीं बल्कि हम स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। और ये जो हम दीप उत्सव मनाते हैं ये ना ही केवल किसी ये दीपावली स्पेशल त्यौहार के लिए मनाते हैं, हम इसको एक बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं और यही हम निरंतरता से मनाते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं तब से अयोध्या की मान मर्यादा और भगवान श्री राम के प्रभु के प्रति सभी लोगों की आस्था बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम इतना कहना चाहेंगे इस बिल्कुल ये जरूर जाहिर सी बात है कि वो उसका जो अयोध्या का जो वजूद है वो राम से है और अब लोग समझने लगे हैं और लोग अपने इस त्योहार को मनाने के लिए अब यहाँ एक सहभागी के तौर पर यहाँ पहुँचते हैं। क्या सुनाएंगे, क्योंकि ये नगरी राम की है और ये माहौल भी जो है एक उत्सव जैसा माहौल है, कुछ सुनाएंगी? जी जरूर सुनाएंगे, हम सब लोग सुनाएंगे, साथ में सुनाएंगे। जय श्री राम। श्री राम तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तस्वीर बदल जाए। श्री राम तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तस्वीर बदल जाए। बिल्कुल, यहाँ वाकई ये उत्सव है अयोध्या का। और कहाँ से आ रही हैं? हम तो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, के सामने रहते हैं। अच्छा, अयोध्या से ही की रहने वाली है। ये यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको कि कितनी बदली अयोध्या इंसान हुई है? जब से योगी आए हैं तब से अयोध्या का कायाकल्प हो गया, पहले ये सारी सुविधा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से योगी आए हैं तब से जानिए कि अयोध्या बहुत अच्छा हो गया है। अयोध्या में दिन पर दिन मतलब आगे ही बढ़ रहा है अयोध्या। आप बताइए कि लगता है कि अयोध्या बदली बदली सी नजर आ रही, इससे पहले ये नजारा कभी देखा था? नहीं नहीं, कभी नहीं, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगता है कि आप अयोध्या वासी हैं? जिस तस्वीर को पूरी दुनिया के लोग देखते हैं आप वही वास, आप वही रहती है, आप जिसे साक्षात मतलब भगवान के साक्षात उनके चरणों में बैठे हुए हैं, समझ लीजिए बहुत अच्छा महसूस होता है। बच्चे भी हैं जो आए हैं और तमाम ये लोग हैं, क्या कहना चाहेंगी? हम कह रहे हैं हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए, ये तो थर्ड बार है, बट हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जब से योगी जी आए। एंड यहाँ की मतलब ये जो सुंदरता है, ये सजावट है, आई एम बहुत बहुत खुश है कि हम यहाँ पे आए हैं इस जगह। हर कोई खुश है इस बात को लेकर कि ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है ये अयोध्या को वो उसका जो गौरव था उसको हासिल कराने के लिए ये कार्यक्रम तमाम तरीके के योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस बात को लेके लोगों में बहुत उत्साह है। ये नज़ारा एक बार फिर से आप देखिए और इसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाता हूं क्योंकि ये तस्वीर मनमोहक करने वाली है, आकर्षित करने वाली है और शायद ये तस्वीर इससे पहले ना तो कभी देखी थी और शायद जब ये अब अगला दीपोत्सव होगा तो शायद तभी इस तरीके की तस्वीर निकल कर आएगी क्योंकि अब ये प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी है और ये खुशी उस वक्त सबसे ज्यादा हो जाती है, बढ़ चढ़ कर हो जाती है क्योंकि इस बार प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। ऐसे में ये दीपावली बेहद खास है और लोगों में बेहद उत्साह भी है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या।